दो वंदे भारत ट्रेन, एक IRCTC की तेजस, दुरंतो, हम सफर, डबल डेकर, सुपर फास्ट पैसेंजर, फास्ट पैसेंजर, मैं ये इन गाड़ियों का नाम ले रहा हूँ। ये पर्टिकुलर एक स्टेशन से चलती हैं जो कि दूसरे स्टेशन तक ही है, मतलब अगर देखा जाए एक उसी स्टेशन से बड़े स्टेशन से बड़े स्टेशन तक चलने वाली गाड़ी, जिसको जितनी भी गाड़ियाँ चला दी जाए कम है। मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से मुंबई का जो रूट है उसकी, जो बड़ी गाड़ियाँ मैंने गिना दी, दो वंदे भारत, तेजस, दुरंतो, हमसफर, डबल डेकर, ये सब गाड़ियाँ तो हैं ही, उसके बाद उस रूट की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो आगे के स्टेशनों से आती हैं। मतलब अगर मैं बात कर लूँ अहमदाबाद से मुंबई के लिए, आपको 40 से 50 ट्रेनें ईजिली मिल जाएंगी, उसके बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही है। और रिसेंटली 9 तारीख को यानी कि 9 अगस्त को 20 डब्बों की वंदे भारत का ट्रायल रन हुआ है। सोचिए अभी ऑलरेडी अहमदाबाद से मुंबई के लिए दो वंदे भारत 16-16 डब्बों की चल रही है, जो सुबह 6 बजे निकलती है और दूसरी दो शाम को 3 बजे के आसपास निकलती है। उसके बाद एक और 20 डब्बों की वंदे भारत का ट्रायल रन हुआ है 9 तारीख को, मे भी शायद ये जल्दी से ही लॉन्च कर दी जाए। सोचिए अहमदाबाद जो लगभग अपनी आबादी का 1 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाला है, मुझे बहुत अच्छे से याद है मैं 2010 में अहमदाबाद में जॉब करता था, तब वहाँ की पॉपुलेशन कुछ 65-70 लाख बताई जाती थी, ऑलमोस्ट 15 साल होने को है, हम आराम से उसको 1 करोड़ लगभग पकड़ सकते हैं। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे है बड़ौदा, वो भी लगभग 30 से 35 लाख का आबादी का शहर है। उसके बाद अपन आ जाएंगे, एक बड़ा शहर पड़ता है सूरत, सूरत अगेन 65-70 आराम से पहुँच रहा है, वो भी बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बल्कि सिटी है, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं ये सारे। और सूरत के बाद एक छोटा सा स्टेशन है वापी, लेकिन उसके आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल जमावट है, दादरा नगर हवेली, सिलवासा, उसके बाद दमन एंड वापी में ही काफ़ी कुछ है, तो वो सारा चीज़ का जो ट्रैफिक है वो वापी से ही मैनेज होता है रेलवे का। और फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टेशन अगर छोड़ दें तो डायरेक्ट फिर बड़ा स्टेशन जो आता है वो आता है बोरीवली, और फिर उसके बाद अंधेरी और मुंबई सेंट्रल एक्सेट्रा। तो समझिए अगर इन सब की पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए, अहमदाबाद 1 करोड़, सूरत लगभग, सूरत और बड़ौदा मिला के 2 करोड़ हो गए, और मुंबई अपने आप में 1.5-2 करोड़, मतलब 3.5-4 करोड़ की पॉपुलेशन के बीच में जो ट्रैफिक है रेलवे का, उसके लिए 8 से 10 ट्रेनें तो सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई की हैं, फिर और भी हैं, 1% भी लिया जाए रोज का ट्रैफिक तो भी कम पड़ेगी। और वहाँ पे इसीलिए इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, उसके बाद भी वहाँ पे जगह नहीं मिलती है ट्रेनों में ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वहाँ पे और ट्रेनें भी डाली जा रही हैं, बुलेट ट्रेन तक आने वाली है। आई एम श्योर बुलेट ट्रेन का भी यही हाल होगा, प्लेन से जाने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, बस से 8 से 10 घंटे लगते हैं, मीन्स इतना बिजी रश है, इतना कमर्शियल रश है वहाँ पे, कि आप वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम आप कुछ भी डाल दीजिए वहाँ पे वो चलने ही चलने हैं। इसीलिए 20 डब्बों की वंदे भारत भी आ रही है, जो कि 9 तारीख को ट्रायल रन हो गया है, 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार में ये ट्रायल रन हुआ है, कुछ खबरें आई हैं जो मेरे पास जेन्युइन सोर्सेस से। अब ये देखना है कि कब वो फाइनली लॉन्च हो जाती है, उसकी क्या टाइमिंग रखेंगे, बिकॉज टाइमिंग में एक बहुत बड़ा इशू है। सोचिए अहमदाबाद में आराम से लगभग 12-15 प्लेटफॉर्म के आसपास हैं, उसके बाद एक मणिनगर करके एक सब स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेनें हैं, अब उन ट्रेनों में अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, किसको कहाँ पे जाना है, फिर उसके आगे के स्टेशंस में अवेलेबिलिटी कहाँ पे जाके लगेगी, क्योंकि उस रूट में सभी जितने भी स्टेशन हैं सब मैक्सिमम 4 या 5 प्लेटफॉर्म के साथ हैं, तो आगे चल के उन गाड़ियों को कौन सा टाइमिंग, कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उस रूट में जितना रश है उतना पोटेंशियल भी है, लेकिन उतना ही ऑपरेशन ऑफ रेलवे ये बहुत बड़ी चीज़ है। खैर बहरहाल हम अपने रेलवे में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हम दूसरी चीज़ों से भी परेशान हैं, डिरेलमेंट है, एक्सीडेंट है, ये सारी चीज़ें, कवच टेक्नोलॉजी पे भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स अ ग्रोथ। 20 डब्बों की वंदे भारत कब लॉन्च होती है, क्या टाइमिंग है, कब से चलेगी, कहाँ से चलेगी, अहमदाबाद से चलेगी या सब स्टेशन से चलेगी, वो सारी जानकारी आपको इस पेज पे मिलेगी। इस पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।